पीछे के जो हाल देख रहे हो आप, ये औरतें इसलिए मतलब चिल्ला रही हैं कि भाई साहब इस सोसाइटी में इन लोग को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप लगा लो यहाँ की सोसाइटी की जो हालत है वो किस तरीके की है। पीछे कुछ पंगा हो रखा है और पुलिस भी आ रखी है। अभी वो औरतें मेरे वीडियो बनाने से पहले बहुत तेज चिल्ला रही थी, मैं आपको दिखाता तो आप लोग कहते हैं अरे भगवान ये कितनी तेज चिल्ला रही है, इतने बुरे हाल है। और हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ तक ऑटो से आए थे और गाड़ी हमारे पास है नहीं, और इनके यहाँ केवल एक ही गोल्फ की फैसिलिटी है, अगर वो है तो आप अंदर फ्लैट तक जा सकते हो। तो फिलहाल भी हम सेल्स ऑफिस में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कब इनकी इकलौती गोल्फ आएगी। तो 45 मिनट्स वेटिंग के बाद हमारे पास गोल्फ आई है और अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लैट की तरफ। तो ऑलमोस्ट आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ 16 पार्क व्यू, पहुँच गए हम। हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शुभमा स्टाइल ब्लॉग पर। जैसे कि हर बार मैं आता हूँ और यमुना सिटी 16 पार्क व्यू में, आज भी मैं सेम जगह पे हूँ और यमुना सिटी 16 पार्क व्यू जो आगरा हाईवे पे पड़ता है। और आज मैं आई थिंक कम से कम चौथी या पांचवी बार मेरा है जब मैं ये आ रहा हूँ और मैं इतना तंग आ गया हूँ और वालों को बता बता के चीजों में जो फ्लैट में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनने को यहाँ पे रेडी नहीं है। बस केवल मेल आ रही है जी हैंडओवर ले लो, फाइन लग बैलेट भी लगा देंगे, इस चीज की मेल आ रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है मेरी नजर में तो। और बिल्कुल बेकार और घटिया एकदम कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल घटिया। मैं इतना तंग आ गया हूँ, मैं नोएडा से यहाँ आता हूँ हर बार ये सोच के कि इस बार काम कर दिया होगा और इनके साथ सब कुछ मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। इनका हेड ऑफिस जो गाजियाबाद में है, कैसे गया अब हैगंड में, आप वहाँ मेल अगर दो तो कोई वहाँ का मेल नहीं देता है। अगर कोई मेल पे रिप्लाई दे भी दे तो वो क्या करेगा कि बस अपने आगे वाले बंदे को कर देगा, पहले टेक द नेसेसरी एक्शन, बस बात हो गई खत्म। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि अभी हम आज फिर जब यहाँ पे आए फ्लैट के अंदर जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो कैसी है। सेम ही है, हाँ तो वो बिल्कुल सेम पड़ी हुई आई है, हम आपको दिखाते हैं। सेम कंडीशन है, कोई सुनने की रेडी नहीं। पवन नाम यहाँ का तो बंदा है, पवन जो यहाँ पर हैंड ओवर देता है, उन भाई साहब के पास जब भी आओ उनको कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ भी उनको कुछ नहीं पता होता, बस वो ही रहता है हाँ ले लो हैंड ओवर ले लो। और क्या कहते हैं छोटी मोटी दिक्कत है वो अभी करवा देंगे, खत्म अभी तुरंत करा देंगे, बस इतना कहेंगे। वो पवन भाई साहब है वो कुछ भी करने को रेडी नहीं, कुछ भी करने को रेडी नहीं। आई डोंट नो कि यहाँ पर इवेल्युएट कैसे किया जाता है उनकी वर्किंग पर पुलिस साहब। एनीवे हम आपको आगे दिखाते हैं कि फ्लैट के अंदर क्या क्या। पिछली बार आए थे तो जो फ्लैट नीचे की फर्श थी वो साफ पड़ी थी, अब आप देख लो कितनी गंदी करके उठी और दे दी हैंड ओवर के नाम पे। ये देखो वॉशरूम के अंदर आप देख रहे हो आपको काले काले निशान पड़े हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं कुछ नहीं है। ये ग्लास हमने बोला था बदलने के लिए, अगर आप देख रहे हो ग्लास पे ये एक व्हाइट कलर की लाइन है जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ना ये एक लाइन है, ये मिट भी नहीं रही पानी से, हमने सोचा कि हम खुद ही मिटा देंगे तो एटलीस्ट इनसे नहीं बोलना पड़ेगा, बट वो मिट नहीं रही थी। तो लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुआ था कि ये जो लाइन है ये खुद क्या कहते हैं किसी चीज से मिटाएंगे, कुछ एसिड से केमिकल से हट जाएगी या फिर ग्लास चेंज करेंगे, तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। बाकी हमने इनको बताया था, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाना नहीं। ये आप देखो नीचे हमने इनको बताया था कि इसमें नीचे ना ये किचन है, बेसिकली आप देख लोगे वॉश मशीन यहाँ लगा हुआ है। तो हमने यहाँ इनको बताया था कि यहाँ पर नीचे ना एक इस पॉइंट पर यहाँ पे ये क्या कहते हैं खाली जगह है, यहाँ पे बहुत डस्ट थी। तो आप देखो वो कि हम ठीक कर देंगे करके नाम पे आप देखो क्या गंदगी फैला रखी है, वो भी नहीं ठीक किया और आप गंदगी देखो कैसे फैली पड़ी है, व्हाइट सीमेंट पत्थर टूटा पड़ा है सब कुछ चीजें। आप देखो हम आपको लाइट के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए वो भाई वो कोई सही करने के नाम पे ना केवल पत्थर रख के चला गया वहां पे, बस ये देखो आप केवल उसी साइज का पत्थर कटवाया रख दिया। बाकी आप देखो ये फ्लैट की हैंडओवर के नाम पे ये दे रखा है, ये देखो जैसे दरवाजे की हालत ऐसी तैसी कर रखी है, ये देखिए कूड़ा कूड़ा वैसे ही डला हुआ है, कुछ नहीं है। जो वॉल पर हम बता के गए थे कि निशान निशान है हटवा देना, कोई निशान नहीं हटवाने,
ये मट्टी उस दिन की है जो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखी होगी। अगर आप इस वीडियो में इस मट्टी को कंपेयर करवा रहे होगे तो ये मट्टी बिल्कुल वैसी पड़ी है जैसे कंकड़ पहले थे, वैसे उसी के कंकड़ पड़े हुए। ये हम बता के गए थे फिलिंग करने के लिए, ये फिलिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं करी यहाँ पर। एज इट इज बिल्कुल वही सिचुएशन है, आप देख रहे होगे। ये बंद भी नहीं हो रहा है सही से। कुंडी में आपको दिखाता हूँ, कुंडियों की हालत आप देखो। ये जो है ना, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऊपर ही नहीं जाती। ये देखो, ये ऊपर जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? कि वो वहां पे आप अगर देखोगे तो ऊपर कुंडी जो है वो बंद ही नहीं होती है, भटक जाती है। कि उसका जब कुंडी जिसके अंदर जाती है ना, वो डायरेक्शन अच्छा नहीं है इसका। ये वाली जो कुंडी है, ये आप देखो, ये भी, ये आप देखो, दिखाता हूँ आपको, ये भी आधी अधूरी आगे जाती है, बंद ही नहीं होती है, कोई देखने वाला ही नहीं। जितने बार हम यहाँ पे आते हैं सेम सिचुएशन है। इसकी कुंडी दिखाता हूँ आपको स्टोर रूम के अंदर की, ये देखो, ये देखो, ये भी वैसे वही हालत है। ऊपर तक आप देखोगे तो मैच ही नहीं करती है, बहुत ताकत लगा हुआ तब जाके लग पाएंगे, मेरे से तो लग नहीं रही है। कोई बाहुबली आएगा तो लगाएगा आके इसको। ये देखिए, इसके ऊपर बढ़ती नहीं है इससे ज्यादा, ये देखिए। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो हम लास्ट टाइम बता के गए, कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा हम छोड़ के गए थे। देखो आप, अगर आपको समझ में आ रहा हो, वहां पर वो ना बहुत सारी डस्ट है, वहां पे डस्ट भी दे रखी है, ग्लासेस पे पेंट के निशान हम बता के गए थे। ये देखिए, ये पेंट के निशान किसी ने नहीं छुड़ाए हैं यहाँ पर। आई थिंक हमने लास्ट टाइम एक और ऑब्जर्वेशन को दिया था। बाकी देखते हैं अभी। ये देखो, मैं वॉश मशीन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पता नहीं क्या काम कर रही है, ऐसा वैसे गंदा संदा फैला के चल रही है। ये है कॉल की क्वालिटी। ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं क्या ठोका बजाया ऊपर, तो नीचे आप देखो क्या डस्ट पड़ी हुई है। कहने के लिए आप लोग कह सकते हो कि ठीक है, तो डस्ट है, साफ हो जाएगी, बट पॉइंट ये है कि एक आदमी 4-5 बार आ रहा है अपने फ्लैट के ऑब्जर्वेशन बता के जा रहा है, बट अल्टीमेटली कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। बात ये है, पैसा किस चीज का लिया जा रहा है हमारे पास? क्या जिनके फ्लैट है उनके पास हराम का पैसा है जो वो यहाँ पर दे रहे हैं और वालों को? ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये कुछ पता नहीं जूते का निशान है, ग्लास पे पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जब आप फ्लैट तक को देखने आते हैं ना, तो कोई आदमी भी आपके साथ देखने के लिए आएगा नहीं कि भाई ठीक है फ्लैट में अगर क्या काम हुआ है क्या नहीं, एक बार अपडेट हम भी ले लेते हैं चल के। आप खुद ही आ जाओ, अकेले आ जाओ, अकेले ऑब्जर्वेशन ले लो और इनको बता दो जाके। ये हालात है यहाँ पे। देखो बाहर बालकनी से आपको नजारा दिखा देता हूँ, आप बगल में देखो, आप बालकनी में जाओगे तो कितना बगल वाली बालकनी पे मट्टी गंद पड़ा हुआ है। हाँ, ये जो आप विंडो देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी कमी है, मतलब उनकी विंडो और हमारी विंडो आसपास है, मतलब ये विंडो कोई खोले और यहाँ पे आके खड़ा हो जाए और यहाँ से आपकी विंडो अगर खुली पड़ी है तो वो सीधा अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बीच में सरियों वाला भी वैसा ब्लॉक नहीं लगा रखा है कि आदमी भी अंदर नहीं जा सकता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज बिल्कुल बहुत बेकार है। हम यहाँ पे फ्लैट लेके पछता रहे हैं पूरी तरीके से। अब देखो, अभी लोग यहाँ पर रह तो रहने नहीं है, जो लोग रह रहे हैं वो केवल वही लोग रह रहे हैं जो केवल मजबूरी के मारे हुए, मुझे लगता है जिनको नेसेसरी है यहाँ पे रहना, बस वही लोग रह रहे हैं। बाकी आप देखो 90% फ्लैट खाली पड़े हुए नीचे तक। देखो आप नीचे, आपको अगर नजर आ रहा हूँ तो नीचे पूरा गंद फैला पड़ा है, आप देख रहे हो। देखो ऐसे आपको लगेगा कि किसी नाले के बगल में आप खड़े हो, बिल्कुल नीचे एकदम गंद पड़ा हुआ पूरी तरीके से। किचन की स्लैब की अगर बात करें तो देखिए, अगर इनके हिसाब के पास अगर सिलेंडर है ना, क्योंकि ये वाला जो कवर्ड है, ये कवर्ड इसलिए इन्होंने रखा कि अगर आपका सिलेंडर है तो, क्योंकि अभी यहाँ पाइपलाइन तो है नहीं गैस की, तो कोई होल भी नहीं इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। आप वो भी, आप जब यहाँ पे आओगे रहने के लिए तभी आप इनको बताओ और तब क्या कहते हैं ये होल करके देंगे। तो अपनी दिमाग से अकल लगा के यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब इनकी खुद के दिमाग से जो कुछ है वो आपको दिमाग लगाना है ओवरऑल में।
देखो मैं आपको फ्लैट की ना जो ड्राइंग रूम है उसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ, और मैं फिनिशिंग देखूंगी वाली आपको और समझ में आ रही होगी फिनिशिंग। तो व्हाइट सीमेंट जो भरा गया है ना ये बेसिकली ओवरलैप है, ये वाला टाइल और ये वाला टाइल ना ओवरलैप है। आप अगर ऐसे उंगली ले जाओगे ना तो फंस जाएगी उंगली आपकी, आप समझ पा रहे होगे मैं हाथ हिला रहा हूँ नहीं जा रही। तो ये ऐसे फिनिशिंग आ रखी है इसकी, प्लस आप ये देखो गैप, ये गैप जो बना रखा है ना इसमें डस्ट घुस रही है अभी, इसके घुस जा रही है। प्लस आप ये देखो जब एक्चुअल में जब आप यहाँ रहने लगोगे ना तो फ्लैट नीचे से ऐसा हो जाएगा क्योंकि जो गैप है ना उनमें डस्ट भरेगी, काले रंग का हो जाएगा, मिसमैच्ड है। ये देखो आप इतना गंदा लगेगा आपको, ये देखो आप देख रहे हो वाली लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये आपको इस तरीके से इतना गंदा फ्लैट आपको लगेगा। ये है क्वालिटी, ये देखो आप देखिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कोई चिंगम खाए तो चिंगम ही चिपका के चला गया यहाँ पे। ये आप देखो ये दरवाजों के कोनों में जो फिनिशिंग दे रखी है बहुत गंदी फिनिशिंग दे रखी है और प्रॉपरली साफ भी नहीं करी है यहाँ पर। ये मैं देखो आपको इस तरफ भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप देखो, देख रहे हो आप कितनी गंदी फिनिशिंग कर रखी है यहाँ पे। ये देखो बस लगा दिया खत्म बात, ये पीला भी पड़ने लगा है भाई, ढूंढो कि ये कुछ दिन में दीमक भी लगना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। हैंड ओवर से पहले ही ये हाल है, ये छोटी छोटी ये देखो आप, अरे ये तो नई चीज देख रहे हो हमें खुद ही मिली। ये देखो आप कुंडी देखो आप, ये गीली देख, ओहो तो पूरा हिल रहा है, कोई देखने वाला है ही नहीं इसको। ये देखिए ये हालात है, तो कौन हैंड ओवर लेगा इस फ्लैट का, बड़े बुरे हाल। यहाँ भैया ऑटो क्या कहते अभी मिलेगा नहीं ऐसे? तो मतलब यहाँ खड़े हुए इंतजार करते रहो तब तक नहीं, बात नहीं बनेगी है? ओके, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे ऑटो वाटो की है। अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, आप देख रहे हो पीछे भी आपको कोई ऑटो वाटो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा कार पर, और सामने भी आपको दिखा देता हूँ मैं, सामने भी आप देख लो कोई गाड़ी वाड़ी आपको कुछ ऑटो वाटो नजर नहीं आएगा, अगर कोई गाड़ी नजर आएगी तो पर्सनल गाड़ी नजर आएगी। तो भाई साहब अगर गौर 16 में अगर आपको फ्लैट लेना है गाड़ी तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी जरूर लेनी है, बिना गाड़ी के तो 16 पार्कव्यू में रहना बहुत ही मुश्किल है, वरना हमारी तरह आप पैदल चलोगे, हमारे पास गाड़ी नहीं है और हमने ये सोच के फ्लैट लिया था कि चलो भाई कन्वेंस यहाँ पे मिल जाएगा। गोल्फ तो एक बहाना है सोसाइटी का दिखाने के लिए। अभी गोल्फ जिससे हम आए थे वो कह रहा था जी एक ही गोल्फ की गाड़ी है, दूसरी वाली गाड़ी खराब है कई महीनों से, वो सही नहीं हो रही है, और ये भी अगर खराब होगी तो मामला ठप। तो सिचुएशन हमने आपको बता दी ओवरऑल में, इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि जैसे बिल्कुल कोई देसी बिल्डर जो होता है ना वो फ्लैट बना के देता है आपको, वो हालात है यहाँ की। अभी यहाँ के जो हैंडओवर लेते हैं पवन, उनसे मेरी अभी बात हुई, बात क्या हुई मेरी चिकचिक बाजू की लड़ाई हुई है बिल्कुल सही अच्छी खासी, और सही से टाइट करके आया हूँ मामला में कि भैया अगली बार आऊंगा तो मुझे हैंडओवर प्रॉपर देना, वरना गाजियाबाद खंड वाले में वहाँ कंप्लेंट करके आऊंगा और सब चीजें सब दोबारा दिखा के आया हूँ। कोई सुनने की तैयारी नहीं है, सब कुर्सी तोड़ रहे हैं अपनी, यहाँ पे सबकी नौकरी मजे की चल रही है, सब सरकारी हिसाब किताब वाला मामला है यहाँ पे। आप आओगे चक्कर काटते रहोगे, जो लोग हैंड ओवर ले रहे हैं ना यहाँ पर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ हैंड ओवर ले रहे हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जैसे क्योंकि उनकी EMI चल रही है। हमें अभी इतना इशू है नहीं, हमें सही बताया हमें भी एक साल तक हैंड ओवर दो हमें कोई इशू नहीं क्योंकि हम अपने घर में रह रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि जो हमने पैसा दिया जो टाइम था उसके लिए तो हमें हैंड ओवर करना चाहिए था, उसके लिए हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। पॉइंट अभी केवल ये है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है अभी, बट हम हर बार इसलिए आते हैं कि ठीक है चलो हैंड ओवर ले लो दे रहे हैं, तो मेल इनकी आती है हैवी पेनल्टी और ये वो दुनियादारी, पता नहीं वहाँ बैठ के केवल इसी बंदे बैठा लग के वहाँ खंड वाले ऑफिस में कि बस केवल मेल देते हो लोग। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत गंदी है गाइस, दिखा मैंने दिया ही है, अच्छा लगे तो अगली बार गौर का फ्लैट लेना, वरना अगर एडवांस भी दिया हो ना तो ही भूल जाना अगला पैसा मत देना, वापस ले डिडक्शन के साथ मिले। एग्जैक्टली चलो जी टाटा बाय बाय, नमस्कार। Bye-bye.